प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम कक्षा पांचवी का नीम कविता का अध्ययन करेंगे। पहले वीडियो में मैंने आपको एक कविता गाकर सुनाई है, अब इस वीडियो में इस कविता का अर्थ मैं आपको बताऊंगी। यह कविता कवयित्री लता पंत जी ने लिखी है। उनका जन्म 9 अगस्त 1947 को नैनीताल उत्तराखंड में हुआ है। इस कविता के जरिए उन्होंने हमें नीम के पेड़ का महत्व बताया है। वैसे तो देखा जाए कि पेड़ों का अपने जीवन में बहुत महत्व है। पेड़ है तो हम हैं, और हम हैं तो जीवन है। तो चलो बच्चे, सबसे पहले मैं इस कविता का पहली पद्य खंड आपको सुनाती हूँ और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें पहले पद्य खंड में नीम का पेड़ हमसे बातें कर रहा है। नीम का पेड़ कह रहा है कि ना मैं डॉक्टर ना मैं ओझा। डॉक्टर तो आप सब पहचानते हैं कि डॉक्टर मतलब क्या होता है, और ओझा का मतलब होता है भूत प्रेत भगाने वाला व्यक्ति। नीम का पेड़ हमसे कह रहा है कि ना मैं डॉक्टर ना मैं ओझा, ना ही तो मैं डॉक्टर हूँ ना ही तो मैं ओझा हूँ या भूत प्रेत भगाने वाला व्यक्ति हूँ। ना मैं डॉक्टर ना मैं ओझा ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मैं ना ही तो डॉक्टर हूँ ओझा हूँ ना ही मैं वैद्य हकीम हूँ। आप मुझे अगर एक समझते हो तो ये गलत है। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ और मेरा नाम नीम है। बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि नीम के पेड़ के नीचे सोने से भूत प्रेत लग जाते हैं, लेकिन बच्चों आप यहाँ पर अभी ये जान लो कि ये सब अंधविश्वास जैसी बातें हैं। कोई पेड़ के नीचे, कोई पेड़ के ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं रहता है। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चलो आगे की पद्य पंक्तियाँ हम सुनते हैं। पहले यहाँ पर नीम का पेड़ हमसे बातें कर रहा है कि मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। मतलब नीम का पेड़ हमसे कह रहा है कि मेरी सूखी पत्ती अगर अनाज में तुम रखते हो तो अनाज खराब नहीं होगा। हम घर में देखते हैं, अपनी मम्मी से पूछो, घर में जाकर अपनी मम्मी हो, नानी हो, दादी हो, उनसे जाकर पूछो और देखो बच्चों घर में कि तुम्हारी मम्मी ने, नानी ने, दादी ने अनाज में नीम के सूखे पत्ते रखे होंगे। इसका मतलब अगर नीम के पत्ते हम रखते तो हमारा अनाज खराब नहीं होता है। और अगर मक्खी मच्छर जहाँ पर होते, अगर हम वहाँ पर नीम के पत्ते सूखे पत्ते जलाते हैं तो उस धुएं से मक्खी मच्छर भी दूर भाग जाते हैं। नीम के सूखे पत्ते का इतना बड़ा उपयोग होता है। अभी तो हम देखते हैं कि सभी घरों में मॉर्टिन जलाते हैं मच्छर भगाने के लिए। तो वहाँ पर अगर हम नीम के पत्ते अगर शाम को अपने घर के बाजू में जलाएं तो मक्खी मच्छर दूर चले जाते हैं। आगे अब जलते हैं और आगे नीम का पेड़ हमें क्या कह रहा है ये सुनो। नीम का पेड़ हमसे कहता है कि घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नीम के पत्ते आपने देखे होंगे, हम सब ने नीम का पेड़ देखा है। तो नीम का पेड़ कैसा होता है? घना होता है, उसकी पत्तियां घनी होती है। और घनी पत्तियां होने के कारण नीम के पेड़ की जो छाया है वो शीतल मतलब ठंडी होती है। और हम देखते हैं कि अगर हम गर्मियों के दिनों में कहीं बाहर जाते हैं तो हम शाम को बहुत से लोग गार्डन में जाते हैं मतलब बगीचे में जाते हैं, और जहाँ पर नीम पेड़ होते हैं मतलब नीम का हो कौन सा भी पेड़ अगर उसके नीचे हम बैठे तो हम आराम सा महसूस करते हैं। वहाँ पर पेड़ का हमारे जीवन में इसलिए बहुत महत्व है। बेटा ये आप सब समझ लो, पेड़ मनुष्य जीवन में बहुत कुछ दे रहा है। यह तो नीम के पेड़ के जरिए हम पेड़ों का महत्व जान रहे हैं। आगे जाकर नीम का पेड़ हमसे कह रहे कि नहीं काटना मुझको तुम। सोचो आप, पेड़ हमसे ऐसे विनती क्यों कर रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी मनुष्य ही पेड़ों को काट रहा है, अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काट रहा है। और इसका हम परिणाम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ गया है। कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। मतलब पर्यावरण का सब संतुलन पेड़ काटने की वजह से खराब हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पेड़ हमसे विनती कर रहा है कि नहीं काटना मुझको तुम। अब हम सबको ये काम करना है कि अब तो हमें कोई पेड़
काटना नहीं है और किसी को काटने भी नहीं देना है, बल्कि हमारा काम है कि हम पेड़ लगाएं और उसको बढ़ाएं। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता। पेड़ हमें इतने सुख देता है फिर भी हम उसे काटते, ये तो गलत बात है ना। अगर हमें कोई सुख देता है तो उसको हमें दुखाना चाहिए का, उसको काटना चाहिए का पेड़ को? तो नहीं बेटा, पेड़ को हमें काटना नहीं चाहिए। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता नीम का पेड़। सूरज की किरणों से, अगर सूरज की किरणों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सूरज की किरणों से ही पेड़ अपना अनाज बनाते हैं, और अगर सूरज की किरणें नहीं पेड़ों पर आएगी तो हम कहाँ से अनाज बोएंगे, कहाँ से अनाज हमारे लिए मिल पाएगा। और पेड़ों का काम है कि वो तो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर वो हम पेड़ ही काट डालेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। एक यहाँ पर मतलब धरती पर तो कोई मानवीय जीवन ही नहीं रहेगा, तो इसीलिए पेड़ हमें काटने नहीं चाहिए। आगे जाकर पेड़ हमसे कह रहा है कि सूरज धरती सूरज तारे चांद की जब तक चले कहानी, सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। हमें पता है कि सूरज धरती तारे चांद कभी मिटने वाले हैं क्या? जब तक ये है तब तक हम हैं, वो कभी मिटने वाले नहीं है। तो पेड़ कह रहा है कि जब तक ये है तब तक मैंने मन में ठानी है हमेशा सबको सुख देने की। देखो पेड़ों से हम कितना सीख सकते हैं कि वो सबको देते हैं, सबको सुख देते हैं, फिर भी हम उनके काटते हैं, ये बहुत गलत बात है बेटा। तो इस कविता के जरिए हमने नीम का पेड़ का महत्व जाना है, और नीम का पेड़ जो हमसे बातें कर रहा है इससे तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और हमें क्या करना चाहिए। तो चलो बच्चों, मैं समझती हूँ कि आप सभी ने एक कविता सुनी और अच्छी तरह इसका अर्थ भी आप समझ गए होंगे। तो आगे हम इस कविता के जरिए आगे अब आपको अपनी भूमिका स्पष्ट करनी है, अपने को क्या करना है तुमको समझ लेना चाहिए बेटा। चलो तब हम एक कविता तुम सब पढ़ो और इसका अर्थ अपने घर में जाकर अपने मम्मी पापा नानी दादा दादी को बताओ।